Hello children, today I am going to teach you computer subject. So let's begin. Assignment of computer, chapter number one, assignment of computer. Question number one, fill in the blanks with the help of the words given in the brackets. Fill in the blanks with the help of the words given in the brackets. आपको fill in the blanks दिए, उसके words से वो brackets में लिखे हुए हैं, उसमें से आपको words लिखने हैं. Monitor. Printer, backspace, CPU, spacebar, cursor keys, enter, shift, delete, mouse, click in, caps lock, number key, letter key. Monitor, printer, backspace, CPU, spacebar, cursor key, enter, shift, delete, mouse, click in, caps lock, numbers key, letters keys. अब इससे हम खाली जगह लिखेंगे. वन नंबर में है तो खाली जगह लिखी हुई इसमें backspace आई. द बैकस्पेस की इरेज कैरेक्टर टू द लेफ्ट और द कर्सर. द बैकस्पेस की इरेज ए कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर. नंबर में है द मॉनिटर इज ऑल्सो No as a video. The monitor is also no as a video. Number the cursor keys are used to move the cursor up or down a line. And to the left or right of a line. कर्सर किसे हम यूज करते हैं, मूव होता है तभी अपने को अप डाउन होता है लाइन और लेफ्ट और राइट होती है. नंबर द सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. द सीपीयू इज द कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. ये नंबर है The action of pressing the mouse button and leaving it is called clicking. The action of press the mouse button and leaving it is called clicking. सिक्स नंबर में दिया है द कैप्स लॉक की इज यूज्ड टू टाइप इन कैपिटल लेटर के लिए हम लोग कैपिटल लेटर के लिए हम कैप्स लॉक यूज करेंगे. कैप्स लॉक द कैप्स लॉक की इज यूज्ड To type in capital letters. Seven number. The printer is used to print on paper. Printer के हिस्सा होता है, उसे हम यूज करके प्रिंट ऑन पेपर निकालते हैं. पेपर प्रिंट करके निकालते हैं प्रिंटर से. एट नंबर द स्पेस बार is used to put space between letter or words.
स्पेस बार होता है उसे हम स्पेस पुट स्पेस बिटवीन दोनों के बीच में लेटर और वर्ड्स के बीच में जगह छोड़ते हैं स्पेस बार से पुट जगह छोड़ते रखते हैं द स्पेस बार इज यूज्ड टू पुट स्पेस बिटवीन यानी बीच में लेटर और वर्ड्स नाइन नंबर द माउस इज नो एस पॉइंटिंग डिवाइस द माउस इज नो एस पॉइंटिंग डिवाइस टेन नंबर द एंटर की इज यूज टू गो टू द नेक्स्ट लाइन द एंटर की इज यूज्ड गो टू द नेक्स्ट लाइन के लिए हम एंटर की यूज करेंगे एंटर की इलेवन नंबर द डिलीट की इरेज ए कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर द डिलीट की इरेज ए कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर इरेज करने के लिए डिलीट की यूज करेंगे थर्टीन नंबर ट्वेल्व नंबर द शिफ्ट की इज यूज्ड टू टाइप द ऑप्शन गिवन इट द टॉप ऑफ ए पर्टिकुलर की ए शिफ्ट की है ये हम यूज करते हैं वो पहला लेटर होता है उसको पहले लेटर को कैपिटल करने के लिए पर्टिकुलर करने के लिए हम शिफ्ट यूज करते हैं थर्टीन नंबर द नंबर की आर यूज्ड टू राइट नंबर्स नंबर की के हिसाब से हम राइट नंबर लिखते हैं फोर्टीन द लेटर की आर यूज्ड टू राइट वर्ड्स एंड सेंटेंस लेटर की के से हम यूज करके हम राइट वर्ड्स एंड सेंटेंस लिखते हैं अभी इसमें प्रैंक्स दी है उसके हिसाब से हम करेंगे जैसे कि है वन नंबर द स्पेस बैक स्पेस दिया है दिखाया इधर बैक स्पेस द बैक स्पेस की इरेज ए कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर नंबर द मॉनिटर इज ऑल्सो नो एज ए वीडियो मॉनिटर है इधर बताया है टू नंबर मॉनिटर बैक स्पेस से मॉनिटर है द मॉनिटर इज ऑल्सो नो इज ए वीडियो थ्री नंबर द कर्सर की आर यूज्ड टू मूव द कर्सर अप और डाउन ए लाइन को ऊपर नीचे करने में एंड टू द लेफ्ट और राइट ऑफ ए लाइन लेफ्ट राइट करने में भी कर्सर की यूज करते हैं तो कर्सर की थ्री नंबर में आएगा फोर नंबर में दिया है द शिप यू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू है वो उसका के बाद है कंप्यूटर द सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू दिया है अपने को ये वाला फोर नंबर में है सीपीयू फाइव नंबर द एक्शन ऑफ प्रेसिंग द माउस बटन एंड लीविंग इट इज कॉल्ड क्लिक इन The action of pressing प्रेस करते हैं एक्शन को प्रेस दबाते हैं तो माउस बटन एंड द लिविंग इट इज कॉल्ड क्लिकिंग लिखा इधर क्लिक इन लिखा है फाइव नंबर में सिक्स द कैप्स लॉक की इज यूज्ड टू टाइप इन द कैपिटल लेटर The
कैटलॉग की इज यूज्ड टू टाइप इन द कैपिटल लेटर. कैटलॉग है उसको यूज करते हैं. कैटलॉग दिया इधर सिक्स नंबर है वो सेवन नंबर. द प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट ऑन पेपर. द प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट ऑन पेपर. प्रिंट पेपर निकालने के लिए हमको पेपर पर प्रिंट करना है अपने को. ऑन पेपर पे प्रिंट करना है तो प्रिंटर यूज करना पड़ेगा. प्रिंटर यूज प्रिंट ऑन पेपर पे ऊपर हम प्रिंट करते हैं प्रिंटर से. एट नंबर द स्पेस बार इज यूज्ड टू पुट स्पेस बिटवीन लेटर और वर्ड्स के लिए स्पेस रखने के लिए हम स्पेस बार यूज करेंगे. नाइन नंबर द माउस इन नो एज पॉइंटिंग डिवाइस. द माउस इज नो एज पॉइंटिंग डिवाइस. टेन नंबर द एंटर की. द एंटर की इज यूज्ड टू गो टू द नेक्स्ट लाइन के लिए हमको एंटर की में जाना पड़ेगा. एंटर की नेक्स्ट लाइन करनी है अपने को आगे की तो एंटर की में जाएंगे. बाद में नेक्स्ट लाइन होती है. इलेवन द डिलीट करना है. डिलीट की है इरेज करने के लिए डिलीट की यूज करना पड़ेगा. द डिलीट की इरेज ए कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर. राइट ऑफ द कर्सर डिलीट की कहाँ राइट ऑफ कर्सर के राइट में दी हुई है. ट्वेल्व नंबर द शिप. द शिप की इज यूज्ड टू टाइप द ऑप्शन गिवन एट द टॉप ऑफ ए पर्टिकुलर की. शिफ्ट की पर्टिकुलर की है तो ऑप्शन लिख ले हम तो उसका पहला कैपिटल लेटर टॉप का होता है. उसको हम कैपिटल लेटर यूज लिखने के लिए उसको शिफ्ट की यूज करते हैं. थर्टीन नंबर द नंबर की आर. द नंबर की आर यूज्ड टू राइट नंबर. नंबर की के नंबर से हम राइट नंबर्स लिखते हैं नंबर को. फोर्टीन द लेटर की. द लेटर कीज आर यूज्ड टू राइट वर्ड्स एंड सेंटेंस. द लेटर की आर यूज्ड टू राइट वर्ड्स एंड सेंटेंस. ये फिल इन द ब्लैंक से उसको बराबर देखना है फिर उसको फिल अप दिए उसको भरना है अपने को. क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू राइट टी टू. राइट टी टू फॉर द करेक्ट सेंटेंस. फॉर द करेक्ट सेंटर एंड एफ फॉल्स फॉर द रॉन्ग वन. राइट द राइट टी ट्रू फॉर द करेक्ट सेंटेंस एंड एफ फॉल्स फॉर द रॉन्ग वन. जिसमें राइट सेंटेंस में है ट्रू यानी टी लिखना है करेक्ट सेंटेंस में जिसका राइट है वो और जो रॉन्ग है उसमें एफ फॉल्स लिखेंगे फॉर वन रॉन्ग वन. और आपको ये ट्रू फॉल्स दिए है उसमें से आपको राइट है उसमें टी लिखेंगे और रॉन्ग है उसमें एफ लिखेंगे. अभी इसमें वन नंबर में बताया है ए कंप्यूटर डस नॉट मेक मिस्टेक. ए कंप्यूटर डस नॉट मेक मिस्टेक ट्रू है सच्चे है कि इसमें कंप्यूटर से मिस्टेक नहीं होती. ए कंप्यूटर डस नॉट मेक मिस्टेक ट्रू. ए कंप्यूटर डस नॉट मेक मिस्टेक ट्रू. टू नंबर्स दिए है द माउस इज कॉल्ड वीडियो. द माउस इज कॉल्ड वीडियो.
तो इसमें दिया है फॉल्स, फॉल्स दिया है। तो माउस नहीं है वीडियो, कौन है वीडियो में मॉनिटर आता है, माउस दिया है तो फॉल्स है, तो माउस इज कॉल्ड वीडियो। रॉन्ग है, मॉनिटर नाउन इस वीडियो होता है, तो ये माउस बताया है तो रॉन्ग है उसको। थ्री नंबर में है द कंप्यूटर कैन नॉट रिमेम्बर मैनी थिंग्स, एक कंप्यूटर कैन नॉट यानी नहीं रखता रिमेम्बर याद मैनी थिंग, तो रॉन्ग है। कंप्यूटर में हम खोलते हैं तो सब डेट जिसमें हम करा हुआ था सब उसमें दिखाई देता है, अपने को वो पूरी अपनी डिटेल रखता है, तो इसने कैन नॉट लिखा है कि नहीं करता, तो ये रॉन्ग है। ए कंप्यूटर कैन नॉट लिखा है रिमेम्बर मैनी थिंग्स, रॉन्ग है वो सेंटेंस पूरा रॉन्ग है। वो नंबर द कीबोर्ड, तो कीबोर्ड हैज टू और थ्री बटन ऑन इट, द कीबोर्ड हैज टू और थ्री बटन ऑन इट, फॉल्स है, क्योंकि टू और थ्री बटन कीबोर्ड को नहीं होते, माउस को होते हैं, ये रॉन्ग है। द कीबोर्ड हैज टू और थ्री बटन ऑन इट, कीबोर्ड में बटन्स नहीं होते, टू और थ्री बटन नहीं होते कीबोर्ड के अंदर, आपने देखा है कीबोर्ड ज़्यादा रहते हैं उसमें, ये रॉन्ग है। फाइव नंबर्स, द कैप्स लॉक की इज यूज्ड टू टाइप इन कैपिटल लेटर, कैप्स लॉक, द कैप्स लॉक की इज यूज्ड टू टाइप इन कैपिटल लेटर, यूज करने के लिए हम कैप्स लॉक को यूज करते हैं, तो राइट है द कैप्स लॉक की इज यूज्ड टू टाइप इन कैपिटल लेटर्स, तो राइट है ये कि कैप्स लॉक यूज करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर यूज टाइप है उस करने के लिए हम कैप्स लॉक की यूज करेंगे। सिक्स नंबर, द एरो ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड माउस प्रिंटर, द एरो ऑन द स्क्रीन इन द कॉल्ड माउस प्रिंटर, एरो बताया है माउस प्रिंटर का यूज करने के लिए हम माउस प्रिंटर, एरो तो राइट है वो, द एरो ऑन द स्क्रीन इन द कॉल्ड माउस प्रिंटर, राइट बताया उसने, ट्रू बताया हुआ है इसमें। पहले में कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक, ट्रू। दूसरे में द माउस इज कॉल्ड वीडियो, फॉल्स। थ्री नंबर, ए कंप्यूटर कैन नॉट रिमेम्बर मैनी थिंग, फॉल्स। फोर नंबर, द कीबोर्ड हैज टू और थ्री बटन ऑन इट, फॉल्स। फाइव नंबर, द कैप्स लॉक की इज यूज्ड टू टाइप इन द कैपिटल लेटर, ट्रू, राइट है वो, ट्रू आएगा उसमें, ट्रू। सिक्स नंबर, द एरो ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड माउस पॉइंटर, द एरो ऑन द स्क्रीन इन द कॉल्ड माउस पॉइंटर, ट्रू। ये चैप्टर नंबर वन का दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, आपको चैप्टर और वन वन और टू में से ही आने वाला है, दो ही चैप्टर में से है ये अपना, राइट ट्रू और फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर वन नंबर वन वन में से आपको पूछेंगे। अभी चैप्टर नंबर टू दिया है उसमें, चैप्टर नंबर टू है उसमें है, नेम द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन ब्रैकेट्स, क्वेश्चन नंबर वन, नेम द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, क्वेश्चन नंबर वन, नेम द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स,
में अपने दिया है तो उसको नेम बताना है अपने को। ब्रैकेट में देखिए, टास्क बार, स्टार्ट, आइकॉन्स, डेस्कटॉप, माउस प्रिंटर। वन नंबर में है द मेन स्क्रीन ऑफ विंडोज डेस्कटॉप, द मेन स्क्रीन ऑफ विंडोज डेस्कटॉप। टू नंबर, द स्मॉल पिक्चर डेट यू सी ऑन द विंडो स्क्रीन आइकॉन्स, द स्मॉल पिक्चर्स डेट यू सी ऑन द विंडो स्क्रीन आइकॉन्स। थ्री नंबर, द बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप, द बार ऑफ द एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप टास्क बार, द बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप टास्क बार। फोर नंबर में, द स्मॉल एरो ऑन द विंडो स्क्रीन, द स्मॉल एरो ऑन द विंडो स्क्रीन माउस पॉइंटर, द स्मॉल एरो ऑन द विंडो स्क्रीन माउस पॉइंटर। फाइव नंबर, द स्मॉल बटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टास्क बार, द स्मॉल बटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टास्क बार टू स्टार्ट। वन नंबर, द मेन स्क्रीन ऑफ द विंडो डेस्कटॉप। टू नंबर, द स्मॉल पिक्चर डेट यू सी ऑन द विंडो स्क्रीन आइकॉन्स। थ्री नंबर, द बार एट द बटन ऑन द डेस्कटॉप टास्क बार, और द स्मॉल एरो ऑन द विंडो स्क्रीन माउस पॉइंटर। फाइव नंबर, द स्मॉल बटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टास्क बार स्टार्ट, स्टार्ट टास्क बार, डेस्कटॉप आइकॉन, टास्क बार, माउस पॉइंटर और स्टार्ट। अभी फिल इन द ब्लैंक से ट्रू फॉल्स नेम द फॉलोइंग से। Name the following with the help of the word given in the bracket. Task bar, start, icon, desktop, mouse printer. One number, the main screen of the window, desktop. Two number, the small pictures that you see on the window screen icons. Three number, the bar at the bottom of the desktop task bar. Four number, the small arrow on the window screen mouse pointer. Five number, the small button on the left hand side of the task bar start, the small button on the left hand side of the task bar start. VA आपको फिल इन द ब्लैंक से नेम द फॉलोइंग है और ट्रू फॉल्स से आपको ये एग्जाम में अभी आगे करेंगे। इसमें ब्रैकेट्स में से देखना है आंसर कहाँ पे है, वो सबको ध्यान रखना है, फिर पर में लिखना है। टास्क बार है, स्टार्ट है, आईकॉन, डेस्कटॉप, माउस पॉइंटर, डेस्कटॉप है, आइकन्स, टास्क बार, माउस पॉइंटर और स्टार्ट। ओके।